हेलो एवरीवन, हेलो न्यू मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस डूइंग फाइन। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर हाउ टू प्रिपेयर अ हॉस्पिटल बेड फॉर न्यूबॉर्न बेबी। कि आप अपनी, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग और इफ यू आर गोइंग टू बी अ मदर न्यू मॉमी, सो आप अपने न्यूबॉर्न बेबी के क्या क्या एसेंशियल्स पैक करें, एक हॉस्पिटल बेड को कैसे प्रिपेयर करें। सो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरी प्रेगनेंसी को 2 साल हो चुके हैं। आई हैव ट्रिपलेट्स एज यू ऑल नो दैट, कि मैं अभी अपनी प्रेगनेंसी सीरीज मैंने स्टार्ट की रिसेंटली। सो होप यू गाइज एंजॉइंग दी प्रेगनेंसी स्टोरीज, माई IVF प्रेगनेंसी जर्नी। सो 2 साल के बाद मैं क्यों शेयर कर रही हूँ, बिकॉज 2 साल पहले, पहला रीजन तो है कि 2 साल पहले जब मेरी प्रेगनेंसी थी तब मैंने चैनल स्टार्ट नहीं किया था। एंड सेकेंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जनरली जितने भी वीडियोज आप देखते होंगे उसमें जो भी न्यू मॉमीज होती हैं वो शेयर करती हैं कि वो क्या क्या हॉस्पिटल पे कैसे प्रिपेयर कर रही है अपने न्यू बॉर्न्स के लिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव मच एक्सपीरियंस, सो मैंने सोचा कि ज़रूर आपके साथ शेयर करूं मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मैं क्या मैंने पैक किया, क्या एसेंशियल्स हम रखना भूल जाते हैं। सो मुझे लगा दिस इज ऑल्सो द राइट टाइम टू शेयर माई एक्सपीरियंस कि मैंने क्या पैक किया, क्या नहीं पैक किया, क्या चीज़ें आपको रखनी चाहिए, एक्चुअल में क्या चीज़ें आपको काम आती है, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम रख तो लेते हैं बट जिनका हमें कोई यूज़ नहीं होता है। सो आई हैव प्रिपेयर अ हॉस्पिटल बेड। अभी तो मेरे बेबीज 2 साल के हो चुके हैं, सो दिस इज अ न्यू बॉर्न एसेंशियल बेड। सो रियली होप ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले ये देखिए, इस तरह का एक ट्रॉली बैग जो सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड है, जो जो भी चीज़ें हमें पैक करनी है। जो भी ट्रॉली बैग आप लें वो बहुत बड़ी साइज का भी नहीं होना चाहिए तो बहुत छोटा भी नहीं, मीडियम साइज इज ओके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए होती है। आजकल हॉस्पिटल्स जो हैं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं, मैक्सिमम चीज़ें आपको वहाँ मिल जाती है, इन केस यू फॉरगॉट द थिंग्स, तो आपको सारी चीज़ें वहाँ मिल जाती हैं और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम भी आपको स्टे नहीं करना पड़ता है, मैक्सिमम 4 to 5 days इन एनी इमरजेंसी केस, अगर कोई इमरजेंसी है तो 4 to 5 days, अदरवाइज सी सेक्शन में, मेरा सी सेक्शन हुआ था, आपको 3rd day डिस्चार्ज मिल जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा चीज़ें पैक नहीं करनी पड़ती, सिर्फ जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है मैंने सिर्फ वही पैक किए हैं, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो चलिए फिर फटाफट से इसे ओपन कर लेते हैं और मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें शेयर करूंगी कि मैंने इसमें क्या क्या रखा है। लेट्स ओपन दिस बैग। तो हम इसे साइड में रख लें, आपके साथ वन बाय वन शेयर करती हूँ सारी चीज़ें। सो मैंने इसे साइड में रख लिया है, ओपन कर लिया एंड वन बाय वन थिंग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो एक, एंड बिफोर यू आर गोइंग टू पैक योर बैग्स, सबसे पहले आपको इस तरह से एक लिस्ट बना लेनी है कि क्या क्या चीज़ें आपको रखनी है, उससे आपको रखने में और चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। एंड नेक्स्ट मूव करते हैं हम से फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट, जो कि लगना ही लगना है, वो होता है, सो दी वेरी फर्स्ट थिंग जो आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी और जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, सो दीज आर दी थिंग्स जो कि बच्चों की पी एंड पू इजीली सोक कर लेती है। तो इस तरह की ड्राई शीट्स आपने 2 से 3 ज़रूर रखनी है। तो ये इस तरह की शीट्स आती हैं, ये इजीली आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, ये आपको ऑफलाइन भी आराम से लोकल मार्केट में मिल जाएगी। और सबसे अच्छी चीज़ ये शीट की कि ये आपको जिस भी साइज़ में चाहिए उस साइज़ में मिल जाएगी, जैसे कि ये इसका सबसे छोटा साइज़ है, को आपको पूरी बेड की साइड की चाहिए तो पूरी बेड की साइज की भी ये मार्केट में मिल जाती है। इसके पूरे बंडल्स आते हैं जिसमें से आप कटवा के जैसी साइज में आपको चाहिए वैसी साइज में ले सकते हो। ये शीट्स आपको बहुत लगती है, जब बेबी घर आता है तब भी आपको बहुत जरूरत पड़ती है इन ड्राई शीट्स की। डायपर्स एंड नेपीज, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि डायपर भी रखें प्लस क्लॉथ नेपी, जो कि इनिशियली बच्चों के लिए बहुत हेल्प करती है, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। जैसे कि ऐसे कुछ रेडी डायपर्स आते हैं, ये बहुत टाइम तक पी को सॉक करते हैं, तो इस तरह के भी बहुत यूजफुल होते हैं। सो ये काफ़ी ड्यूरेबल क्लोथ डायपर हैं, सो ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे, इनको इजीली है यहाँ से, ये इस तरह से इसमें अटैचमेंट दिया हुआ, तो इस तरह से ये अटैच हो जाते हैं
और ये इस तरह की फॉर्म में, तो ये भी काफी बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं बिकॉज इसमें अंदर कॉटन है, कॉटन के क्लॉथ्स हैं और ये पूरा कॉटन का ही बना हुआ है, तो काफी सॉफ्ट और कंफर्टेबल होते हैं स्पेशली फॉर न्यू बॉर्न। तो ये न्यू बॉर्न्स के हिसाब से ही डिजाइन किए हुए हैं। ब्रांड की बात करूँ तो बहुत अच्छा ब्रांड है टीनी केयर। इसके काफी सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल होते हैं। ये हमने फर्स्ट ट्राई से लिए थे। इस तरह की कुछ नेपीज होती है जो रेडी भी मिलती है और जिसे आप स्टिच भी करवा सकते हो। मैंने जितनी भी नेपीज है वो सारी की सारी हमने रेडीमेड ली थी। मैंने जो नेपीज हैं इस तरह की क्लोथ नेपीज जो कॉटन के क्लोथ की होती है, तो वो आप स्टिच भी करवा सकते हो। इन केस यू डोंट वांट टू स्टिच, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो मार्केट में भी इजीली आपको कॉटन की सॉफ्ट कपड़े में जैसी आपको चाहिए वैसी बिल्कुल मिल जाती है हर तरह की डिजाइन में। क्योंकि इसमें भी क्या है ना, हर तरह की डिजाइन होती है कि आपको किस तरह की चाहिए। तो ये इस तरह की होती है, ये बेबी बॉय एंड बेबी गर्ल दोनों के लिए होती है और बेबी गर्ल के लिए स्पेशली इस तरह के तिकोने डिजाइन में भी आती है, तो वो वैसी भी होती है। तो आप जैसी चाहो वैसी मार्केट में भी आपको इजीली मिल जाएगी, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरह से आपको मिल जाएगी भी है। एंड देन अगेन इस डायपर, सो डायपर आप कोई भी अच्छे ब्रांड का, मैं यहाँ पर्टिकुलर किसी एक ब्रांड का आपको सजेस्ट नहीं करूंगी, आप कोई भी अच्छे ब्रांड का डायपर यूज कर सकते हो। इनिशियली आपने एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में डायपर का एक बड़ा साइज का पैक जरूर रखना है क्योंकि बहुत जरूरत लग सकती है, स्पेशली अगर ठंडी का टाइम है तो बच्चों को डायपर्स ज्यादा मेरे हिसाब से ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। तो आप वो नाइट में स्पेशली आप उन्हें डायपर पहना सकते हो ताकि बच्चे जो है, बच्चों को ठंडी ना लगे, जो उनका सरफेस है वो बहुत ज्यादा गीला ना रहे। ये तो हो गए डायपर, स्नैपीज एंड ड्राई शीट्स की बात। तो नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इस तरह के टोपाज। सभी वेदर हो, मॉनसून हो, सर्दी हो, गर्मी हो, इनिशियली बच्चों को सॉफ्ट कॉटन की इस तरह की जो टोपी होती है वो पहनाई जाती है क्योंकि बच्चा एकदम से मदर की वॉर्म से बाहर आता है, तो उसके लिए जो बाहर का एटमॉस्फेयर होता है वो बिल्कुल न्यू होता है। जैसे कि गर्मी का वेदर है तो इस तरह के कॉटन वाले सॉफ्ट आप स्टिच करवा सकते हो, रेडी भी मिलते हैं बट ये जो केप है, बट इस तरह के आपको रेडी नहीं मिलेंगे। रेडी जो मिलते हैं ना वो कुछ इस तरह के होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ, इतने सारे हैं मेरे पास, रेडी वाले भी हैं। तो ये न्यू बॉर्न के हिसाब से इस तरह के मिलते हैं रेडी वाले, जो कि जनरली बच्चे निकाल देते हैं, ये बहुत कम काम आते हैं। मतलब ये हमने रेडी वाले भी लिए थे, ये उस समय जब मेरे बेबीज बॉर्न हुए थे तो विंटर का मौसम था, तो उस समय ना हमने ये इस तरह के लिए थे, होते बहुत ही सॉफ्ट है और ये हमने बेबी हक से लिए थे, काफी अच्छे क्वालिटी के हैं। बट ये इस तरह की डिजाइन में होते हैं तो ये बहुत ज्यादा यूज नहीं आते हैं और ये वाले मुझे बहुत काम आए हैं, तो ये मैंने काफी लॉन्ग टाइम तक यूज किए। ये मुझे हमारी एक बुआ है, पुष्पा बुआ, वो ये उनको बहुत शौक है, वो जिनके भी बच्चे हुए, मतलब इवन हमने भी उनके ही हाथ के बनाए हुए टोपे पहने हैं और हमारे बच्चों ने भी उनके हाथ के बनाए हुए टोपे, मतलब वो बहुत सारे बच्चों के लिए बनाती है, उनको बहुत शौक है। तो इस तरह के टोपे बनाने का उनको बहुत शौक है, वो स्पेशली इनके लिए अच्छा कॉटन का कपड़ा खरीद के लाती है और फिर वो बनाती है और वो बहुत सारे लोगों को देती है, उनको बहुत शौक है। तो हमने भी उनसे ही बनवाए थे बच्चों के लिए, तो ये इस तरह के उन्होंने सॉफ्ट कॉटन के बनाए थे, तो इससे बच्चों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है, काफी सॉफ्ट होता है तो बच्चों को भी अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है और ये जैसे गर्मी भी है तो भी आप इजीली इसे पहना सकते हो, तो ये इस तरह से बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छे होते। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि ये ऑनलाइन तो नहीं मिलेंगे, ये बहुत मुश्किल है, ये इवन हमने लोकल मार्केट्स में बहुत ट्राई की बट ये वाले नहीं मिलते हैं। तो ये वाले तो आपको स्टिच ही करवाने पड़ेंगे, या तो आप खुद से बनाओ या फिर आप किसी भी टेलर से कपड़ा देके स्टिच करवाओ या कोई बनाता है तो उनसे ले सकते हो, बट ये ही काम आते हैं। नेक्स्ट बच्चों के कपड़ों की बात करें तो अगर गर्मियों का मौसम है तो आप इस तरह के झबलाज आते हैं, सॉफ्ट होते हैं, कॉटन के होते हैं, तो ये रेडीमेड आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और आप चाहो तो स्टिच भी करवा सकते हो। तो ये इस तरह के झबलाज हैं वो आप रख सकते हो। इन केस की सर्दियों का मौसम है तो इस तरह की फुल स्लीव्स वाली, ऐसे फ्रंट में जो बटन होते हैं ना, आपको वही वाले लेने चाहिए। मैंने लास्ट एक फर्स्ट ट्राई होल आपके साथ शेयर किया था, उसमें भी मैंने आपको यही बोला था कि बच्चों के कपड़े 2-3 साल तक आपको ऐसे ही लेना चाहिए, या तो यहाँ साइड पे बटन हो या फ्रंट में बटन हो, कहीं बटन हो, लेकिन बच्चों को कंफर्टेबल आप पहना सको। ऐसा नहीं कि आप पहना रहे हो, खिंच रहा है, बच्चा रो रहा है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। इस तरह से फ्रंट ओपन वाले आप ले सकते हो इनकेस की विंटर का सीजन है। तो
नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि है बेबी स्वेडल, तो ये इतने सॉफ्ट इतने कंफर्टेबल है, ये भी हमने ऑनलाइन लिए थे। मेक श्योर करें इनका जो मटेरियल हो वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और मसलिन का मटेरियल, स्पेशली बच्चों के लिए न्यूबॉर्न के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। तो ये इस तरह के बहुत ही सॉफ्ट ये है स्वेडल, जो कि बच्चों को रैप करने के लिए इनिशियली बच्चों को रैप किया जाता है, अच्छे से उसे कवर किया जाता है, तो ये ऐसे बहुत सॉफ्ट काम आते हैं। उसके बाद अनादर इम्पोर्टेंट बेबी वाइप्स, आई नो कि इन्हें बहुत ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यूसली यूज करना दिस इज नॉट अ सेफ फॉर बेबी। सो लेकिन इन्हें एमरजेंसी के लिए आपको जरूर रखना चाहिए। वैसे तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि जो सॉफ्ट कॉटन के क्लॉथ होते हैं जो पुराने होते हैं वही आप वाइप करने के लिए यूज करें, बट ये भी जरूर होना चाहिए इन केस ऑफ एमरजेंसी। अदर वेरी इंपॉर्टेंट चीज इज मिटन्स एंड सॉक्स, तो ये मेरे पास बहुत सारे हैं बिकॉज आई हैव ट्रिपलेट्स, बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे, कुछ ऑनलाइन परचेज किए थे, कुछ लोकल मार्केट से भी लिए थे। तो ये कुछ पैरों के हैं और कुछ हाथों के हैं, तो ये ऐसे छोटे छोटे से हैं, ये देखिए, जब बहुत कम काम आते हैं, स्टार्टिंग में ही काम आते हैं, बट ठीक है फिर भी लेने ही होते हैं हमें। ये भी आपको रखना चाहिए क्योंकि ये ठंडी से अच्छे से कवर अप करके बच्चों को सेफ रखता है। बाद आपको इस तरह के सॉक्स भी रखने चाहिए पैरों के बच्चों के, सो ये भी बहुत अच्छे से कवर अप करके रखता है। हमारे पास तो हमारा तो विंटर का टाइम था इसलिए ये बहुत सारे हमारे पास बल्क में है। इसके अलावा आपको इस तरह के हैंकीज जो कि सॉफ्ट हो या आप सॉफ्ट कॉटन के क्लोथ भी ले सकते हो। जब बच्चों को आप फीड करवा के बर्पिंग वगैरह करवाते हो तो आपको यहाँ पे शोल्डर पे आप लगा सकते हो, या बच्चों को फीड करवाने के बाद आपको क्लीन करना है तो ये इस तरह का आप पूरा एक पैकेट रख लें। अनादर इम्पोर्टेंट चीज इज ब्लैंकेट, तो ये हमने दो तीन तरह के ब्लैंकेट यूज किए थे। एक आता है इस तरह का जो कि अगर विंटर का टाइम है तो आपको बिल्कुल इस तरह के ब्लैंकेट को, इस तरह का एक मोटा वाला ब्लैंकेट जरूर रखना चाहिए। तो ये हमने तीन, मुझे ट्रिपलेट्स थे तो हमने तीन ऐसे ब्लैंकेट रखे थे, तो ये इसकी साइज भी ना एकदम परफेक्ट होती है, ये इस तरह से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जैसे हमारे बड़ों के लिए आते हैं ना वैसे ये बच्चों का डिजाइन किया हुआ आता है थोड़ी छोटे साइज में। तो अगर विंटर का है तो आप एक इस तरह का रखें और अगर नॉर्मल है तो आप इस तरह का रखिए। ये देखिए, ये थोड़ा सा पतला होता है बट इसमें वार्म्थ बहुत अच्छी होती है, तो इस तरह का भी आपको एक ब्लैंकेट जरूर कैरी करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग वो आती है इस तरह की गिद्दी जो कि हमने स्टिच करवाई थी, जो कि जैसे ही बेबी आपके पास आता है ना तो ये भी बहुत काम आती है बच्चों को सुलाने के लिए। वो रेडी भी आती है बट रेडी जो होती है वो घर के लिए ठीक है, हॉस्पिटल के लिए इतनी जरूरत नहीं पड़ती, वो थोड़ी सी थिक होती है। वो जो नेट कवर वाली होती है वो भी है मेरे पास, वो हमने जब बेबीज घर आए थे तब वो काम आती है कि जब आप बच्चों को सुला रहे हो नाइट में, मच्छर वच्छर ना काटे, अच्छे से बच्चा कंफर्टेबल सो, तो वो वाली पूरी ऊपर से कवर आती है। वो वाली भी मेरे पास पूरी तीनों बच्चों के लिए अलग अलग थी। सो और ये वाली जो हैंडमेड होती है ना कि घर पे जो आपने बनवाई है, काफी सॉफ्ट होती है, ये पुराने कपड़ों से बनती है ना तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल होती है, तो ये आपको हॉस्पिटल में काम आ जाती हैं। नेक्स्ट इस तरह के स्टील के छोटे छोटे से डिब्बे हैं जो कि आपको इन केस आपको स्टार्टिंग में फीड नहीं आ रहा है या बच्चा ले नहीं पा रहा है तो आप निकाल के उसे स्टोर करके रख रहे हो, तो इस तरह के फीडिंग एसेंशियल बहुत काम आते हैं। और ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ बिकॉज आई हैव एन आईसीयू एक्सपीरियंस। सो मेरे बेबीज ट्रिपलेट्स थे तो जब बॉर्न हुए थे उनका वेट कम था तो उन्हें वन मंथ तक एनआईसीयू में रहना, वन मंथ तक वो एनआईसीयू में थे तो मुझे फीड उन्हें निकाल के देना पड़ता था। तो मैं ये चीज आपके लिए इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ केस आपको भी कोई इमरजेंसी हो, तो फिर क्या होता है ना, मैं आपको बताती हूँ, ये दो तरह के आप देख रहे होंगे। सो ये इन जब इमरजेंसी में आपको हॉस्पिटल से परचेस करने पड़ते हैं तो ये 60 रुपीज का एक आता है, ये इतनी हल्की क्वालिटी का है। ये देखिए मेरा नाम भी लिखा है क्योंकि एक्चुअली एनआईसीयू में हमें फीड निकाल निकाल के देना पड़ता था, तो जब बेबी को फीड करवाना होता था करवा के और फिर वापस इससे फ्री
फ्रीज में रखते थे ताकि जो फीड है वो खराब ना हो, तो इसपे सबके नाम लिखे होते थे ऐसे, तो नेहा गुप्ता मेरा ना नाम लिखा हुआ है, सब अपनी अपनी स्लीप लगा देते थे नाम की। तो ये जब आप हॉस्पिटल से परचेस करते हो एमरजेंसी, तो ये 60 रुपीज का पड़ता है, और वैसे ये 25 to 30 रुपीज में अच्छी क्वालिटी का आपको मार्केट में मिल जाएगा। आप खुद देख रहे हो इसकी साइज और क्वालिटी के बाद मैंने अपनी मम्मी से बल्क में ये मंगवा लिए थे 7-8, क्योंकि मुझे तो बहुत सारे लगने वाले थे। मेरे तो 3 बेबी थे और तीनों NICU में थे, तीनों को फीड निकाल के देना, मतलब आप घर में हो आपको देना, वापस से खाली पास रखने हैं आपको निकाल के दिन भर में फीड अपना वापस वहां देते हो, तो मुझे तो ये बल्क में लगे थे। या इफ यू आर गोइंग टू बी अ ट्विन मदर तो आपको जरूर लग सकता है इस तरह की जो छोटी सी कटोरी टाइप होती है, तो ये भी हमने हॉस्पिटल से ली थी। इस तरह की स्पून आती है जिससे इनिशियली बेबी को, जब बेबी बहुत ज्यादा छोटे होते हैं NICU में होते हैं, तो इस तरह से उन्हें इस छोटी सी स्पून से फिट करवाया जाता है। बच्चा डायरेक्ट सक नहीं कर पा रहा है या कुछ प्रॉब्लम है आपको निकाल के उसे स्टोर करना पड़ रहा है, तो आप इस तरह की स्टील की जरूर लें। कुछ बच्चे डायरेक्ट सक नहीं कर पाते हैं, फिर उन्हें निकाल के ही आपको पिलाना पड़ रहा है, या आपको फीड नहीं आ रहा है, आपको फॉर्मूला देना पड़ रहा है। सो या लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और चीज है, मैं आपके साथ इसे शेयर कर रही हूँ। ये कुछ इस तरह का स्लीपिंग बैग है जो कि स्पेशली न्यू बॉर्न्स के हिसाब से डिजाइन किया गया और स्पेशली विंटर में के हिसाब से बहुत अच्छा है, बहुत काम करता है। सो ये हमने बेबी हक से लिया था, ऑनलाइन परचेस किया था फर्स्ट क्राई से, बट मैं आपको बताती हूँ ऑनेस्टली ये बैग इतने काम नहीं आते हैं। ये आपको हार्डली स्टार्टिंग की जो हॉस्पिटल विजिट्स होती हैं सिर्फ उसी में आपको काम आते हैं, और वो भी कब काम आते हैं जब आपका बेबी विंटर सीजन में बॉर्न हुआ है, अदरवाइज ये आपको बिल्कुल भी काम नहीं आते हैं। ये हमने परचेस किया था, अभी भी आप देख सकते हो मेरे बेबी 2 साल के हो गए हैं और ये बिल्कुल एज इट इज न्यू का न्यू है, जबकि हमें तो स्टार्टिंग में हॉस्पिटल विजिट्स बहुत होती थी बिकॉज बेबी NICU में थे, तो NICU से डिस्चार्ज होने के बाद उन्हें कंटिन्यूसली डॉक्टर विजिट के लिए ले जाना पड़ता था, तो लेकिन फिर भी हमें ये इतना काम नहीं आया। अब बिल्कुल ऐसा होता है, ये देखिए, इसमें पैसे इन्वेस्ट करना इज नॉट अ गुड थिंग, कि मतलब ये इतना काम नहीं आता, आपको इसका कोई यूज नहीं है, इनिशियली सिर्फ हॉस्पिटल विजिट्स में ही काम आएगा, या आप बच्चे को हॉस्पिटल से घर ला रहे हो तभी काम आएगा, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा काम की चीज नहीं है। सो इन माय ओपिनियन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है व्हाट टू पैक इन हॉस्पिटल बैग फॉर न्यू बॉर्न, सो दिस इज द थिंग्स जो कि आपको जरूर रखनी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल, होप ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।